गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल 2.0 में। सो दोस्तों, आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग, और इंजीनियरिंग ड्राइंग में हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है जो कि है स्केल। सो स्केल में हमारी दो तरह की स्केल थी, एक प्लान स्केल और एक डायगनल स्केल। प्लान स्केल टोटली कंप्लीट हो चुकी है और अभी हम जस्ट स्टडी कर रहे हैं डायगनल स्केल पर। सो डायगनल स्केल का हमने बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता दिया, एक क्वेश्चन भी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। सो आई होप वो क्वेश्चन आप सभी लोगों को बनाना आ गया होगा, बहुत ही ईजी था। बिल्कुल दोस्तों, आपका प्लान स्केल के जैसा ही है, ठीक है। बस थोड़ा सा चेंज हम लोग करते हैं जो हमारा थर्ड मेजरमेंट रहता है उसमें। सो आपने वीडियो अगर देखा है तो आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। और अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ इस वीडियो को छोड़ करके आप उस वीडियो को पहले वॉच करिए, ठीक है। और आप लोगों के कमेंट भी आ रहे थे कि डायगनल स्केल जल्दी से कम्प्लीट करा दीजिए सर। सो दोस्त, बिल्कुल जल्दी ही कराएंगे, बिल्कुल मत घबराइएगा। सारा का सारा सिलेबस हम आप लोगों को बहुत ही जल्दी कम्प्लीट कराएंगे, ठीक है ना। लेकिन सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में भी तो आनी चाहिए ना, ऐसे जो सिलेबस है कंप्लीट करने से क्या फ़ायदा है। सो इसलिए धीरे धीरे भी पढ़ेंगे और अपना इस तरीके से पढ़ेंगे कि ताकि हमें सारी चीज़ें जो है समझ में आए, कोई भी अपना जो है टॉपिक छूटे भी ना, राइट। सो आज उसी में हम दोस्तों एक सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के लेकर के आए हैं। सो इस सेकंड क्वेश्चन को आप लोग क्या करिएगा, पढ़ लीजिएगा, राइट। और इसको फिर हम बनाएंगे दोस्तों अपने अपना जो ड्राइंग शीट है उस पर, ठीक है ना। आपको MD की हेल्प से इसको बनाना बताएंगे, पहले आप जो है डेटा निकालना सीख लीजिए, ठीक है। सो आपका क्वेश्चन क्या है इसको मैं दोनों लैंग्वेजेस में आपको समझा दूंगा, ठीक है ना। कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। आपको एक विकर्ण मापनी खींचना है, यानी एक डायगनल स्केल खींचना है जिसमें क्या बोला गया है, 2 किलोमीटर, ठीक है। 2 किलोमीटर की जो दूरी है वो 2.5 सेंटीमीटर द्वारा प्रदर्शित की जा रही है, यानी कि जो उसकी एक्चुअल लेंथ है वो 2 किलोमीटर है, ठीक है। लेकिन जब उसको आप ड्राइंग शीट में बना रहे हैं तो 2.5 सेंटीमीटर की दूरी मान रहे हैं, क्योंकि 2 किलोमीटर की एक्चुअल लेंथ तो आप लोग ड्राइंग शीट पर नहीं खींच सकते, राइट। सो हम लोग कुछ मान लेते हैं कि हम जो दूरी खींच रहे हैं वो 2.5 सेंटीमीटर जो है खींच रही है, हमें क्वेश्चन बोल रहा है। यानी कि ये आपकी एक्चुअल लेंथ है और ये आपकी डिस्टेंस ऑन ड्राइंग शीट या डिस्टेंस ऑन मैप है, ठीक है। सो इन दोनों की हेल्प से हमारी निकल आएगी RF। इतना समझ में आ गया। आगे कहा गया है मापनी जो है 12 किलोमीटर तक माप सकती है। कितना माप सकती है दोस्तों, 12 किलोमीटर तक आपका जो है स्केल माप सकती है, यानी कि जो स्केल की मैक्सिमम मेजर की गई डिस्टेंस है वो है 12 किलोमीटर। ये सेकंड डेटा आपके पास आ चुका है। आगे बोला गया मापनी पर 11 किलोमीटर, 6 हेक्टोमीटर तथा 3 डेकामीटर की दूरी दिखाओ, यानी कि ये आपकी RD दी गई है, यानी जो रिप्रेजेंटेटिव डिस्टेंस है आपको जो दूरी स्केल पर शो करनी है वो आपकी दी गई है 11 किलोमीटर, 6 हेक्टोमीटर तथा 3 डेसीमीटर, ठीक है। सो 3 डेटा हमारे पास होना चाहिए अगर हम स्केल बनाना चाहते हैं तो। पहला RF, दूसरा LOS और तीसरा प्रदर्शित करनी जो दूरी है वो। सो पहले हमें चाहिए RF। सो पहला डेटा हम लोग निकालते हैं दोस्तों RF। सो RF कैसे निकालते हैं, पिछले क्वेश्चंस में तो हमें RF दी गई थी बट इस क्वेश्चन में RF नहीं दी, लेकिन कुछ ऐसी वैल्यूज़ दी हैं जिससे हम RF निकाल सकते हैं। सो RF कैसे निकालते हैं, RF निकालते हैं डिस्टेंस ऑन मैप, मतलब जो डिस्टेंस हमने झूठी मान रखी है, ठीक है, रियल की डिस्टेंस नहीं, झूठी वाली डिस्टेंस मान रखी है, और बटे में आता है एक्चुअल लेंथ, जो उसकी वास्तविक लेंथ है। तो वास्तविक लेंथ तो आपकी 2 किलोमीटर है, ठीक है ना। लेकिन इसी 2 किलोमीटर को आप ड्राइंग शीट में बनाने के लिए इसको 2.5 सेंटीमीटर मान रहे हैं, यानी कि ये आपका डिस्टेंस ऑन ड्राइंग शीट या डिस्टेंस ऑन मैप हो जाएगा, राइट। इतना समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए कैसे। आपका ये सेंटीमीटर में है, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर है। ये आपका किलोमीटर है, ठीक है। तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर हो गया, यानी 1000 से गुणा कर दिया तो ये मीटर में चेंज हो गया। आप देखिए ये 2.5 सेंटीमीटर ही है। अब मीटर को अगर मुझे मीटर में मुझे अगर सेंटीमीटर में चेंज करना है तो कितने से गुणा करना पड़ेगा, 2 × अपना 1000 तो पहले से था, और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, यानी 100 से फिर से गुणा करने पड़ेगा, तो ये सेंटीमीटर में चेंज हो गया, ठीक है। अब देखिए सेंटीमीटर से मैंने सेंटीमीटर काट दिया तो आपका कितना आ गया, 2.5 और अपॉन में आपका 2 × 1000 × आपका 100 आ गया। अगर डेसिमल हटाएंगे तो 10 और आ जाएगा। अब 25 से इसको काट दीजिए तो 25 से काटेंगे दोस्तों इसको हम लोग 4 बार, और 10 आपका और बच जाएगा, ठीक है ना। इतना आ गया। सो फाइनली जो आपका यहाँ से अगर आंसर की हम बात करें सो कितना आ जाएगा दोस्तों, 1 y 4 2 जा 8 और 1 2 3 4 0,
इस तरीके से आपका ये आपका आरएफ की वैल्यू आ गया। आरएफ की वैल्यू आप लोग नोट कर लीजिए कितना आ गया, 1/8000, ये आपका दोस्तों आरएफ आ गया, ठीक है ना, कितना आ गया आरएफ आ गया। दूसरा आपको क्या चाहिए होता है दोस्तों, एलओएस, लेंथ ऑफ स्केल। सो एलओएस कैसे निकालते हैं, इसी निरूपक भिन्न में, इसी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में हमें गुणा कर देना होता है स्केल द्वारा मेजर गई मैक्सिमम डिस्टेंस का। तो मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी है, कहाँ चली गई, ये रहा 12 किलोमीटर, तो 12 किलोमीटर से हम इसमें गुणा कर देते हैं, ठीक है। सो अब किलोमीटर को हम चेंज करेंगे किस में, सेंटीमीटर तक, तो ये कितना हो जाएगा 12 है, और किलोमीटर को अगर हम चेंज करेंगे मीटर में तो 1000 से गुणा करेंगे, और 1000 मीटर को अगर हमें सेंटीमीटर में चेंज करना है तो 100 से गुणा कर देंगे। सो ये बेसिकली आपका सेंटीमीटर में चेंज हो गया, राइट, और आपका हो जाएगा यहाँ 8000। आप देखिए 4 जीरो से 4 जीरो काट दें सीधा, देखिए 4 ये कट गया और 2 यहाँ से कट गया, 2 आपका यहाँ से कट गया, यहाँ बच गया आपका थोड़ा सा समझिएगा 12 × 10, ठीक है, सेंटीमीटर, और अपॉन आपका बच गया 8, ठीक है। अब देखिए आप इसको काट सकते हैं किससे, आप इसको 4 से काट दीजिए, 4 से काटा तो ये 4 × 2 = 8 हो गया, और ये 4 × 3 = 12 आ गया, ठीक है, 3 आ गया, 2 से काटा तो 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, यानी 5 × 3 = 15 सेंटीमीटर। थोड़ा सा ये कैलकुलेशन है, समझना पड़ेगा, बेसिक कैलकुलेशन ही है। तो ये आपका कितना आ गया 15 सेंटीमीटर, यानी कि जो लेंथ ऑफ स्केल है आपकी वो 15 सेंटीमीटर है। दूसरा डेटा आ गया, तीसरा डेटा आपके पास होना चाहिए दोस्तों स्केल पर जो डिस्टेंस शो करनी है वो, सो वो आपके पास है 11 किलोमीटर, देखिए 11 किलोमीटर, इसके बाद 6 हेक्टोमीटर, इसके बाद 3 डेकामीटर, राइट, 3 डेकामीटर, 3 डेकामीटर, 6 हेक्टोमीटर और 11 किलोमीटर। तो तीनों डेटा आपके पास आ चुके हैं, आरएफ आपका 1/8000, यानी कि 80,000 है, और एलओएस जो लेंथ ऑफ स्केल है वो आपका 15 सेंटीमीटर है, और जो दूरी आपको दिखानी है वो है 11 किलोमीटर, ठीक है, और आपका 6 हेक्टोमीटर और 3 डेकामीटर, ठीक है, 3 यूनिट्स आ रही हैं, यानी कि ये आपका एक सबूत है आपका डायगोनल स्केल का, ठीक है। सो कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और इसको भी हम चुटकियों में बनाना सीखेंगे। चलिए तो फिर चलते हैं दोस्तों हम लोग अपनी ड्राइंग शीट पर, एमडी पर, और एमडी की हेल्प से क्या करते हैं, इसको अब बनाना शुरू करते हैं, ठीक है दोस्तों। सो चलिएगा जल्दी से, तो देखिएगा दोस्तों फिर से, दोस्तों एक बार हमने सारा का सारा जो डेटा है वो हमने नोट कर लिया है, देख लीजिएगा वही सारी वैल्यूज़ है जो कि जस्ट अभी मैंने आपको इस क्वेश्चन में बताई हुई थी, जो दूसरा क्वेश्चन है आपका डायगोनल स्केल का। सो दोस्तों इसमें आपकी आरएफ दी थी 1/80,000, और आपका जो एलओएस है लेंथ ऑफ स्केल वो आपका 15 सेंटीमीटर है, जो आपका स्केल है वो मैक्सिमम डिस्टेंस कितना मेजर कर रहा था 12 किलोमीटर, ठीक है, और आरडी मतलब रिप्रेजेंटेड डिस्टेंस यानी प्रदर्शित की जाने वाली दूरी, तो आपको 11 किलोमीटर 6 हेक्टोमीटर और 3 डेकामीटर दूरी इसमें शो करनी है। ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल सेम है आपका, जो डायगोनल स्केल का मैंने पहला क्वेश्चन बताया था ना, बिल्कुल उसी के जैसा है, वैसे ही सारी प्रोसेस है, और प्रोसेस आपकी जो मैंने बताया था 75% तो आपका प्लेन स्केल ही है, और बाकी का कुछ अलग है जो कि डायगोनल स्केल का है, ठीक है। सो अगर आपको प्लेन स्केल अच्छे से बनाना आ रहा है तो ये सोच लीजिएगा कि डायगोनल स्केल आप बहुत ही जल्दी सीख जाएंगे, ठीक है। सो ये दूसरा उसका क्वेश्चन है, और सारी वैल्यूज मैंने नोट कर दी हैं, चलिए अब इसको बनाना शुरू करते हैं। सो दोस्तों बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है स्केल का लेंथ यानी कि एलओएस। सो एलओएस हमारे पास कितना है 15 सेंटीमीटर, ओके। सो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अपने मिनी डॉक्टर की हेल्प से 15 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा ड्रॉ करेंगे सबसे पहले तो। सो रेखा आप लोग ड्रॉ कर लीजिए, कितनी ड्रॉ करना है हमें 15 सेंटीमीटर लंबी, ठीक है। सो अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों, जल्दी से 15 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा जो है आपको ड्रॉ कर देता हूँ। सो ये देखिएगा दोस्तों, सिंपली जो मैंने है एक 15 सेंटीमीटर लंबी रेखा ड्रॉ कर ली है, जो कि हमारी क्या है स्केल की लेंथ है, ठीक है ना, जो स्केल की लेंथ है हमारी वो है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको सेकेंड स्टेप क्या करना है, इस लाइन की लेफ्ट वाले और राइट वाले दोनों एज से आपको एक वर्टिकल लाइन ऊपर की ओर ड्रॉ करनी होती है, जो कि हम लोग मैक्सिमम 2 सेंटीमीटर लेकर के चलते हैं, हालांकि इस जो आपका प्लेन स्केल है उसमें हम थोड़ा सा कम ले लेते हैं और इसमें हम थोड़ा सा ज़्यादा ले लेते हैं। वो इसलिए लेते हैं क्योंकि मैंने आपको जब पहला क्वेश्चन भी कराया था तो बता दिया था कि हम आगे चल करके इस तरीके से यहाँ पर जो है हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, तो उसके लिए हमें काफ़ी स्पेस चाहिए होता है। सो इसलिए हम क्या करते हैं दोस्तों,
यहाँ पर 20 सेंटीमीटर 20 mm का, या हम कहें 2 सेंटीमीटर का हम लाइन ड्रॉ करते हैं। सो आप इस तरीके से जो है 2 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर लीजिए, राइट, एक इस सिरे पर और दूसरा आपको इस सिरे पर ड्रॉ करना है, ठीक है। सो दोनों सिरों पर आप क्या करिए, इस लाइन को ड्रॉ कर दीजिए 2-2 सेंटीमीटर दोनों साइड। सो ये आपका इस तरीके से दोनों साइड कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या करना है, सिंपली इन दोनों को मिला देना है। सो चलिए मिलाते हैं दोनों को। सो देखिए ये आप लोगों को इस तरीके से मिला देना है, ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब इसके बाद आपको क्या करना होता था दोस्तों, इस वाले सिरे से एक छोटी लाइन आप ड्रॉ कर दीजिए इस तरीके से 90 डिग्री से छोटे एंगल पर, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, अपने मिनी ड्राफ्टर को इस तरीके से रोटेट करेंगे थोड़ा सा ढीला करते हुए, और एक हम यहाँ से लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। सो लाइन हम ड्रॉ कर देंगे और फिर हमें लाइन के इक्वल पार्ट करने होते हैं। तो वो कितने का पार्ट हमें करने हैं, हमें दोस्तों कहाँ से पता चलेगा, वो हमें पता चलता है स्केल के द्वारा मेजर की गई मैक्सिमम डिस्टेंस से। तो मैक्सिमम डिस्टेंस जो हमारी स्केल है वो कितनी मेजर कर रही है दोस्तों, 12 किलोमीटर। कितना दोस्तों, 12 किलोमीटर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो लाइन हम अभी जस्ट खींचने वाले हैं, सपोज मैंने ये लाइन खींच दिया, ये देखिए बिल्कुल फैंट हम खींचते हैं, थोड़ा सा इसको ध्यान देना, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया। तो इस लाइन के हमें कितने पार्ट करने हैं, हमें 12 पार्ट करने हैं, यानी कि 12 पार्ट करने हैं, ठीक है। सो अब इसके आप 12 इक्वल पार्ट कर दीजिए, ठीक है। सो मैं आपको क्या करता हूँ, जल्दी से जो है 12 इक्वल पार्ट करके दिखा देता हूँ, और आप दोस्तों जो है अपने हिसाब से पार्ट मान सकते हैं, आप चाहें तो 1-1 सेंटीमीटर का भी पार्ट मान सकते हैं। सो चलिए इस बार मैं क्या करता हूँ, आप लोगों को 1-1 सेंटीमीटर का ही पार्ट जो है करके दिखा देता हूँ। सो हमें 12 पार्ट करने हैं, तो यानी कि हमें 12 सेंटीमीटर तक आना पड़ेगा। ये देखिए 12 पर 1 पार्ट हो जाएगा, और ये आपका 11 का हो गया, इसके बाद ये आपका 10 का, ये आपका 9, ये 8, 7 हो गया, 6 हो गया, ये 5, इसी तरीके से 4 पर हो गया, ये देखिए 3 पर कर दिया, ये 2, और ये आपका लास्ट 1। सो अब जो आपकी स्केल है वो 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो चुकी है। आप चाहें तो इतना जो अनवांटेड पार्ट आपका निकला हुआ है स्केल का, इस लाइन का, तो उसको आप इरेज कर सकते हैं, ठीक है ना। और आप चाहें तो उसको रहने भी दीजिए, बेसिकली आप इसको इरेज कर दिया करिए, क्योंकि ये ऐसा पार्ट है जिसकी हमें नीड नहीं है, ठीक है। चलिए अब अच्छे से दिखाने के लिए हम थोड़ा आपको इस तरीके से कर दें, ये देखिए अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, ये चौथा पार्ट हो गया आपका, ये पांचवा, छठवा पार्ट हो गया, सातवा पार्ट, आठवा पार्ट, नौवा पार्ट हो गया, ये 10वां, ये 11वां, और ये आपका लास्ट 12वां। तो जो आपकी ये लाइन है दोस्तों वो क्या हो चुकी है, 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो चुकी है। चलिए एक बार फिर से हम काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। दोस्तों इसे काउंट करना जरूरी इसलिए होता है क्योंकि अगर आपका एक भी पार्ट कम हो गया तो फिर ये सोचिएगा कि आगे जो भी आप ड्रॉ करेंगे वो सारा का सारा आपका रॉन्ग ही होगा। सो स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम दे करके आप जरूर काउंट करिएगा, क्योंकि अगर यहीं से आपके पार्ट कम हो गए या पार्ट ज़्यादा हो गए तो फिर आपकी स्किल गड़बड़ा जाएगी, ठीक है, वो आपकी रॉन्ग स्किल बनेगी। सो इसका थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। सो इसलिए मैं आपको काउंट करके भी बार बार बता देता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, इस पॉइंट से आपको इस लास्ट वाले पॉइंट को मिलाना रहता है, राइट। सो अपना मिनी डॉक्टर आपने क्या किया, थोड़ा सा ढीला किया और इसको सेट करते हुए इस पॉइंट के साथ, और उसी पोजीशन में रखना है दोस्तों जब तक हम सारे पॉइंट्स को नहीं मिला देते तब तक। देखिए ये आपका आ चुका है इस तरीके से, देखिए ये आपका आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इससे इसको मिला देंगे, ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको मिला देना है, ठीक है। अब इसी तरीके की प्रोसेस आपको दोस्तों क्या करनी है, सभी पॉइंट्स के साथ करनी है। मिनी डॉक्टर देखिए उसी पोजीशन में है, देखिए उसी पोजीशन में है, बिल्कुल मत इसको रोटेट करिए, बस अब खिसकाते जाइएगा आगे की ओर। तो इस पॉइंट पे रखा, ये देखिए इस तरीके से इसको मिला दिया, फिर इस पॉइंट पे रखा, और ये फैंड करना होता है दोस्तों। सो इससे ज़्यादा भी आप फैंड कर सकते हैं, बिकॉज मुझे आपको दिखाना है, सो इसलिए मैं थोड़ा सा डार्क करता हूँ ताकि आप इसको अच्छे से दिख सके, ठीक है, आपको ये विजुलाइज हो सके अच्छे से। लेकिन आपको और भी फैंट अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है,
वरना रूल यही होता है कि ये जो आप लाइन ड्रॉ कर रहे हैं बिल्कुल फैंट होनी चाहिए। ये देखिए, इस पॉइंट से मिलाइए इसको, इस पॉइंट से मिलाइएगा इसको, इस पॉइंट से मिला दिया इसको, इससे मिला दिया, सभी पॉइंट्स से आपको इस तरीके से लाइन जो है आगे ड्रॉ करता होना। ठीक है दोस्तों, तो हमने देखिए सभी जो लाइंस हैं वो क्या की हुई हैं, मिला दी हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना होता है, वर्टिकली इस तरीके से मिलाना होगा ऐसे। तो चलिए अब वर्टिकली हम लोग मिला देते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एम डी को ढीला करना पड़ेगा, उसकी इनिशियल पोजीशन में लाना पड़ेगा। सो ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, मतलब प्रारंभिक अवस्था, जिस अवस्था में ये पहले था। अब देखिए, अब सभी को मिला दीजिए आप लोग यहाँ से। सो ये पहला पॉइंट इस तरीके से यहाँ रखा, इसको मिला दिया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ हो गया। अभी जो प्रोसेस हम दोस्तों कर रहे हैं बिल्कुल प्लेन स्केल की जैसी ही है, बस आपको प्रैक्टिस में लेना है कि इसको जल्दी से जल्दी भी बनाना है, क्योंकि अभी तो मैं आपको एज अ वीडियो के रूप में समझा रहा हूँ तो काफ़ी टाइम लग रहा है। ठीक है, लेकिन आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए कि आपका जो है टाइम भी ज़्यादा लॉस ना हो, क्योंकि आपको और भी सारे क्वेश्चंस जो है अटैम्प्ट करने होते हैं अपने एग्ज़ाम में। सो इसको आप बार बार बनाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, और आप स्पीड में इसको बनाना सीख जाएंगे। ठीक है, सो ये दोस्तों आपका जो मैक्सिमम डिस्टेंस मेजर कर रहा था आपका स्केल 12 किलोमीटर। ठीक है, तो आपके 12 पार्ट यहाँ हो चुके होंगे, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है ना, आपका जो मैक्सिमम डिस्टेंस है स्केल के द्वारा जो मेजर किया जा रहा है, सो इसलिए ही आपके 12 यहाँ पर खाने बने हुए हैं। इस तरीके से आप काउंट भी कर सकते हैं। अब आपको क्या करना होता है, इसकी नेमिंग करनी होती है। तो नेमिंग हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं दोस्तों, 0 से स्टार्ट करते हैं और आगे से एक आप पॉइंट छोड़ देंगे, यानी 0 यहाँ से स्टार्ट ना करते हुए आप नेक्स्ट पॉइंट से जो है 0 स्टार्ट करेंगे। सो अब क्या करिए, यहाँ से नेमिंग कर दीजिए आप लोग। ठीक है, सो नेमिंग के लिए आपको करना क्या है दोस्तों, सिंपली HB पेंसिल का यूज़ करना है। सो यहाँ आपका आ जाएगा दोस्तों 0, यहाँ आपका 1 आ जाएगा, यहाँ 2, ये 3 हो गया, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 हो गया, ये 9, ये 10 और लास्ट आपका 11। ठीक है, सो ये किलोमीटर में है दोस्तों, किस में है, किलोमीटर में है। सो आप चाहे तो हिंदी में भी लिख सकते हैं कैपिटल लेटर में किलोमीटर, और आप चाहे तो हिंदी में भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो मैंने फाइनली हिंदी में यहाँ नोट कर दिया है किलोमीटर। ठीक है, यानी कि अगर आप इस 0 से आगे बढ़ेंगे तो आपको जो एक एक का स्पेस मिल रहा है वो आपका 1 किलोमीटर को दिखाएगा, प्रत्येक खाना आपका 1 किलोमीटर को दिखा रहा है। ठीक है, और हमने एक खाना पहले से छोड़ रखा है, क्योंकि अगर किलोमीटर से छोटी कोई भी आपकी जो है यूनिट्स रहेगी तो उसको हम यहाँ दिखा सकते हैं। जैसे कि हमें 11 किलोमीटर तो दिखाना है, सो 11 किलोमीटर तो हमारा यहाँ से हो जाएगा, लेकिन हमें 6 हेक्टोमीटर भी दिखाना है। ठीक है ना, सो अब आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा कि जो 1 किलोमीटर होता है वो 10 हेक्टोमीटर के बराबर होता है। ठीक है, किसके बराबर होता है, 10 हेक्टोमीटर के बराबर होता है। सो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का, ये जो 0 से यहाँ तक का 1 किलोमीटर है, इसको आप 10 हेक्टोमीटर में डिवाइड करेंगे, यानी कि इसके भी आपको 12 पार्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, सो 12 पार्ट हम लोग कैसे करेंगे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ से एक फिर से लाइन ड्रॉ करनी होगी इसी तरीके से, वो आपकी 90 डिग्री से छोटी होनी चाहिए बस। तो इस तरीके से आप फिर से MD को सेट कीजिए यहीं पे, और सेट करने के बाद इस तरीके से फिर एक लाइन ड्रॉ कीजिए। ठीक है, तो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है। इसके आपको कितने पार्ट करने हैं दोस्तों, इसके आपको 10 इक्वल पार्ट करने हैं, क्योंकि आपको क्या चाहिए, 0 से जो यहाँ तक की लेंथ है ये वाली, इसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, 1 किलोमीटर को 10 हेक्टोमीटर बनाना है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 1 किलोमीटर है और 10 हेक्टोमीटर में बनाना है, तो क्या हो जाएगा, एक एक हेक्टोमीटर के 10 पार्ट आपके बन जाएंगे। सो यहाँ क्या करिए, आप पॉइंट दे दीजिए इनको। ठीक है, सो मैं इसको आपको जल्दी से करके दिखा देता हूँ। सो ये दोस्तों आपका जो है 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो चुका है आपका लाइन।
ये जो लाइन था हमने इसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है, और प्रत्येक पार्ट मैंने जो है एक एक एम का रखा है, ठीक है ना, कितने का, एक एक एम एम का रखा है, ठीक है। सो अब आप क्या करेंगे, अगर अच्छे से विजुलाइज नहीं हो रहा है तो प्लीज़ थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही छोटा छोटा है तो हो सकता है अच्छे से ना दिख रहा हो। अब आपको क्या करना, इसी पॉइंट के जैसा, जैसे इस पॉइंट को इस पॉइंट से आपने मिलाया था ना, तो इस लास्ट पॉइंट को आप इस ओ वाले या हम कहें जीरो वाले पॉइंट्स को आप मिलाएंगे, ठीक है। तो एम डी पहले तो सेट कर लीजिएगा आप लोग। सो एम डी को हमने क्या किया, सेट, देखिए तो बिल्कुल वर्टिकली आ रहा है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा सा टिल्ड तो होगा ही होगा, ठीक है ना। तो इसको हमने सेट कर लिया, भले ही वर्टिकली आ गया लेकिन नो प्रॉब्लम, ठीक है। आपकी जो लाइन है बस वो टेन इक्वल पार्ट में जो है डिवाइड होनी चाहिए, उसके बाद कुछ नहीं, ठीक है। सो अब इसको यहाँ से मिला दीजिए, अब बस इसी पोजीशन पे सेट रहने दीजिए अपने एम डी को। सो ये पहला आपने मिला दिया पॉइंट से, ये दूसरा पॉइंट हो गया आपका, देन आफ्टर ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया, इसके बाद ये देखिए चौथा पार्ट आपका, पांचवा हो गया, छठवा हो गया, सातवें से भी मिला दिया, आठवें से भी मिला दिया, ये नौवा हो गया, और ये आपका लास्ट दसवा हो गया। तो अब आपकी जो दोस्तों ये लाइन थी ना जीरो से इस लेफ्ट पॉइंट तक, वो आपकी क्या हो चुकी है, हेक्टोमीटर में डिवाइड हो चुकी है, यानी कि इस जीरो से लेकर यहाँ तक कितना हो गया आपका, 10 हेक्टोमीटर हो गया, ठीक है दोस्तों। कितना हो गया, 10 हेक्टोमीटर, तो यहाँ दिखा दीजिए 10 हेक्टोमीटर, राइट। अगर इस साइड आपने हिंदी लिखा हुआ है तो इस साइड भी आप हिंदी ही लिखेंगे, 10 हेक्टोमीटर, ठीक है, दिख रहा होगा आप लोगों को अच्छे से, ठीक है, 10 हेक्टोमीटर। तो यानी कि अब इस स्केल में हम क्या कर सकते हैं, किलोमीटर और हेक्टोमीटर दिखा सकते हैं। अब इसको वर्टिकली हम नहीं मिलाएंगे, क्योंकि रूल होता है हम जो ये पहला पॉइंट आपको मिला होगा, मतलब यहाँ से जीरो से जो 9 नंबर पर, 9वें नंबर पर जो पॉइंट होगा उसको हम सीधा वर्टिकली ना मिला करके इस कोने वाले पॉइंट से मिलाते हैं इससे, ठीक है ना। तो वो हम बाद में मिलाएंगे, जैसा कि मैंने बताया भी हुआ था जो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने आपको करवाया है, ठीक है। लेकिन एक यूनिट और बची हुई, 3 डेकामीटर और बचा हुआ है दोस्तों, इसे भी हम लोगों को दिखाना है। तो हम लोगों ने एक रिलेशन पढ़ा हुआ है दोस्तों, 1 हेक्टोमीटर बराबर होता है आपका 10 डेकामीटर के बराबर होता है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, 1 हेक्टोमीटर जो होता है 10 डेकामीटर के बराबर होता है। तो ये आपको यहाँ देखने को मिल गया कि जीरो से लेकर 10 तक की जो डिस्टेंस है आपकी, वो पहले 1 किलोमीटर थी, फिर हमने इसके 10 इक्वल पार्ट कर दिए तो वो हेक्टोमीटर में चेंज हो गया, राइट। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे दोस्तों, अगर इसको वर्टिकली अगर हम डिवाइड करें, इस लाइन को वर्टिकली डिवाइड करें, तो 1 हेक्टोमीटर जो होगा 10 डेकामीटर में चेंज हो जाएगा, ठीक है, 1 हेक्टोमीटर बराबर 10 डेकामीटर। ओके दोस्तों, समझ में आ गया। तो इसको 10 इक्वल पार्ट में कैसे डिवाइड करेंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस सिरे से एक लाइन इस तरीके से जो है 90 डिग्री के छोटे एंगल पर ड्रॉ करनी पड़ेगी। सो चलिए पहले तो हम एम डी सेट कर लेते हैं जल्दी से। ये देखिए एम डी भी अपना सेट हो चुका है, अब आप इस लाइन को ड्रॉ कर दीजिए यहाँ से। सो देखिए ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है, और अब आपको इसके टेन इक्वल पार्ट करने हैं, बिल्कुल इसी की जैसी प्रोसेस है। सो मैं जल्दी से इस पर जो है टेन इक्वल पार्ट आपको दिखा देता हूँ करके। सो अब देखिएगा दोस्तों, इसके भी मैंने जो ये लाइन हमने जस्ट अभी खींची थी, सो उसके भी हमने टेन इक्वल पार्ट कर दिए हैं। अब इसी की तरह आपको क्या करना पड़ेगा, लास्ट पॉइंट को इस पहले पॉइंट से मिलाना पड़ेगा। सो एम डी को एक बार सेट कर लीजिएगा, जब तक आपके पूरे 10 के 10 पॉइंट्स नहीं मिल जाते, राइट। सो ये देखिए आपका जो एम डी है मनी डॉक्टर सेट हो चुका है कुछ इस तरीके से, और अब आप क्या करिए, इसको मिलाइए, ठीक है। एम डी इसी पोजीशन पर रहना चाहिए जब तक आपके सारे पॉइंट्स नहीं मिल जाते, तो ये पहला पॉइंट्स आपने मिला दिया। इसी तरीके से दोस्तों बाकी के सारे जो पॉइंट्स हैं उनको भी आप जल्दी से मिला दीजिए। देखिएगा सारे जो पॉइंट्स हैं मैंने आगे की ओर मिला दिए हैं, और फिर से रिक्वेस्ट है दोस्तों आप सभी लोगों से कि अगर अच्छे से विजुलाइज नहीं हो रहा है तो प्लीज़ क्वालिटी डेवलप कर लीजिएगा, क्योंकि क्वालिटी तो हाईएस्ट जो है उस पर हमने वीडियो डाला हुआ है, बट आपके मोबाइल के हिसाब से वो सेट होगा 240 360, तो अच्छे से विजुलाइज नहीं हो पा रहा होगा। तो थोड़ी देर के लिए आप क्या करिएगा, जहाँ ये छोटी छोटी बातें बताई जा रही हैं उस टाइम आप क्या करिए, वीडियो की क्वालिटी थोड़ा डेवलप कर लिया करिए, ठीक है। तो ये आपको इतना समझ में आ गया हो तो होगा दोस्तों कि हमने जो है पॉइंट्स को कैसे मिलाया, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जो ऊपर आपका ये पूरी लाइन आपका 1 हेक्टोमीटर को दिखा रही थी, वो आपका 10 डेकामीटर में बदल चुका है, यानी 10 से लेकर यहाँ 10 डेकामीटर आ चुका है। ये एक लाइन आपका जो है दोस्तों इस तरीके से वर्टिकली आपका 1 हेक्टोमीटर को दिखाएगा, फिर इसके साइड वाली दूसरी लाइन दूसरे 2 हेक्टोमीटर को दिखाएगी, फिर ये 3 हेक्टोमीटर, 4 हेक्टोमीटर, 5 हेक्टोमीटर, इसी तरीके से। सो हमने एक लाइन के 10 पार्ट कर दिए, तो ये आपका 10 डेकामीटर में बदल चुका है। ओके सो यहाँ आप लिख दीजिए
टेन डे का मीटर। सो ये आपका हो गया जीरो से इस साइड किलोमीटर, जीरो से लेफ्ट आपका हो गया हेक्टोमीटर, और हेक्टोमीटर से छोटा अगर दर्शाना है तो ऊपर की ओर जाना पड़ेगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब दोस्तों क्या करेंगे, जो आपका ये वर्टिकल लाइन है इस पर आपको जितने सारे पॉइंट्स मिले हैं, देखिए 1 2 3 इस तरीके से 10 पार्ट आपके हैं, उन सभी से आपको क्या करना है, सीधे लाइन ड्रॉ करना है यहाँ 11 तक, यानी लास्ट लाइन तक जो आपकी स्केल की लिमिट है, यहाँ तक आपको ड्रॉ करना है सभी पॉइंट से। सो MD को क्या करेंगे, फिर आप सेट करिएगा बिल्कुल जीरो पर। सो इस लाइन की हेल्प से आप इसको जीरो पर सेट कर सकते हैं। तो ये जीरो पर सेट हो चुका है, और आप क्या करेंगे, पहले पॉइंट से आप जो है लाइन ड्रॉ करेंगे बिल्कुल सीधा। देखिए ये पहला पॉइंट से हमने जो है लाइन ड्रॉ कर दिया, आप देख पा रहे होंगे, देखिए ये आपका पहला लाइन। इसी तरीके से दूसरी लाइन को आप ड्रॉ करेंगे बिल्कुल सीधा, तो ये दूसरा लाइन आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसी तरीके से दोस्तों बाकी के बचे हुए पॉइंट से आपको क्या करना, सीधे ऐसे लाइन ड्रॉ करते जाना है सभी पॉइंट से। ठीक है ना, इस तरीके से। तो चलिए मैं जल्दी से इसको ड्रॉ कर देता हूँ और फेंट करेंगे जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। ठीक है, सो दोस्तों देख पा रहे होंगे आप सभी लोग, मैंने सभी पॉइंट से बिल्कुल सीधी लाइन जो है ड्रॉ कर दी है इसी तरीके से बिल्कुल सभी पॉइंट से। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना होता है, जो आपका ये 1 किलोमीटर वाला पार्ट था ये 0 से 10 तक, जो कि अब आपका हेक्टोमीटर में चेंज हो चुका है, इन पर आपको जितने सारे पॉइंट्स मिल रहे होंगे, ठीक है, यहाँ देखिए ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां और ये नौवां, और लास्ट ये आपका दसवां तो है ही। तो अब इन सभी पॉइंट से आपको लाइन ड्रॉ करनी होती है ऊपर की ओर, लेकिन वर्टिकली नहीं, ये ध्यान देना है। आपको क्या करना होता है, जो लास्ट से आपका पहला पॉइंट है, या हम कह सकते हैं स्टार्टिंग से जो नौवां पॉइंट है, उस पॉइंट से आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है बिल्कुल सीधी, और इस कोने से मिला देनी है ये 10 नंबर का जो है। ठीक है, और MD सेट कर लीजिए एक बार आप अच्छे से पहले उस पॉइंट्स को मिलाने के लिए। तो ये आप देख पा रहे होंगे जो आपका MD है बिल्कुल सीधा, बिल्कुल एकदम अच्छे से सेट हो चुका है। ठीक है, तो पहले पॉइंट्स को मिलाइए दोस्तों यहाँ से, नौवें नंबर का जो पॉइंट है आपका 0 से इस साइड, और हम कह सकते हैं 10वें के जस्ट पहले वाला पॉइंट। ठीक है, तो इसको इस तरीके से मिलाएंगे, तो ये इस तरीके से मिल गया। अब बस इसी तरीके से अपना MD खिसकाते जाइएगा, सेकंड को इस तरीके से मिलाइए, इसी तरीके से थर्ड को मिला दीजिए, ये आपका फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ हो गया, ये 6वें नंबर का हो गया, ये 7वें नंबर का, ये 8वें नंबर का हो गया, ये 9वें नंबर का, और 10वां आपका 0 पर ही मिलेगा आपको, तो इसको भी आपको मिला देना इस तरीके से। ठीक है, तो सभी से मैंने पॉइंट्स जो है दोस्तों, सभी पॉइंट्स से जो है ऊपर की ओर एक लाइन जो है ड्रॉ करी है। बस ध्यान ये देना है कि बिल्कुल वर्टिकली नहीं करना है। आपका जो पहला पॉइंट होगा यहाँ 9वें नंबर का जो पॉइंट होगा, 0 से जब काउंट करेंगे 9वें नंबर पर, और यहाँ 10वें से एक घटाएंगे यानी 9वें नंबर का, उस पॉइंट को पहले इस कोने से मिलाना है MD को सेट करते हुए इस तरीके से। ठीक है, और बस फिर आगे बढ़ाते जाइएगा, प्रत्येक पॉइंट की पोजीशन लेते जाइएगा ऐसे ऐसे, और सभी को मिलाते जाइएगा। ठीक है, अब देखिए, अब आपको देखना है अपनी मेजरमेंट जो कि आपको शो करनी है। सो दोस्तों आपकी जो मेजरमेंट है वो कितनी शो करनी है, सबसे पहले तो मैं ये जो रफ वर्क मैंने बताया आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब मैं चलिए इसको इरेज करता हूँ, क्योंकि डायमेंशनिंग करेंगे तो ये फिर डिस्टर्ब करेगा। राइट, सो इसको हम क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं जल्दी से। और ये रफ वर्क आपको यहाँ कुछ भी नहीं लिखना है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये रबर का आप कुछ भी नहीं करेंगे, इतना आपको ध्यान देना है। चलिए ये इरेज हो गया। अब दोस्तों आपको क्या करना है, जो डिस्टेंस शो करनी है वो देखिए, आपको डिस्टेंस शो करनी है 11 किलोमीटर, 6 हेक्टोमीटर, 3 डेकामीटर। कितनी दोस्तों, 11 किलोमीटर, 6 हेक्टोमीटर और 3 डेकामीटर। तो किलोमीटर कैसे मिलेगा, जब 0 से आप राइट साइड जाएंगे तो कितना जाना है, 11 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, यानी कि आप 11 तक जा चुके हैं। तो आप 11 पर एक्सटेंशन लाइन खींच दीजिए, यानी वेरियल लगा दीजिए कि अब इसके आगे आप लोग नहीं जा सकते। लेकिन पहले तो MD आप अपना इनिशियल पोजीशन पर सेट करिए। ठीक है, तो ये मैंने 0 पर सेट कर दिया इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि वर्टिकली जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे, अपना एक्सटेंशन लाइन बिल्कुल वर्टिकली होता है। सो यहाँ से हमने एक्सटेंशन लाइन देखिए इस तरीके से बढ़ा दिया, ये देखिए एक्सटेंशन लाइन दोस्तों मैंने बढ़ा दिया है, आप लोगों को दिख रहा होगा एक्सटेंशन लाइन यहाँ, मतलब आप 11 किलोमीटर तक आ चुके हैं। इसके बाद आपको 6 हेक्टोमीटर दिखाना है, तो ये 1 किलोमीटर का जो 0 से आगे वाला पार्ट है वो आपका हेक्टोमीटर दिखा रहा है। तो कितने हेक्टोमीटर आपको दिखाने, 6 हेक्टोमीटर। तो आप 6 लाइन काउंट कर लीजिए यहाँ से, 0 1
टू थ्री फोर फाइव सिक्स, यानी इस लाइन तक आपको जाना है। ठीक है, थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ कि आपको दिख जाए ये अच्छे से, राइट। चलिए दोस्तों आप समझिएगा, अगर कोशिश मैंने तो की है, अगर आपको अच्छे से दिख रहा होगा फिर भी, तो अब आपको जो डिस्टेंस शो करनी है वो आपको ध्यान देनी पड़ेगी, 11 किलोमीटर। तो 11 किलोमीटर तो हम देख चुके हैं, आगे है दोस्तों हमारा 6 हेक्टोमीटर। तो 6 हेक्टोमीटर को क्या करेंगे हम लोग, जीरो से लेफ्ट साइड काउंट करेंगे। तो आपको ये पहली लाइन दिख रही होगी, यानी पहला पॉइंट, पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पाँचवा, और ये आपका छठवा आ गया। तो छठवें पॉइंट पर आपको स्टॉप हो जाना है। इसके बाद दोस्तों आपको दिखाना है 3 डेसीमीटर, ठीक है ना। तो 6 तक तो हम यहाँ आ गए थे, देखिए 1 2 3 4 5 6, ये आपका लाइन आ गया, ये वाली लाइन। अब आपको दोस्तों कितना दिखाना, 3 डेकामीटर और दिखाना है। तो अब आप ऊपर की ओर काउंट करेंगे, यानी कि 1 इसी लाइन पर, 1 2, ये 3, ठीक है। यानी कि आपको इस पॉइंट तक जाना है, तो इस पॉइंट पर आप स्टार लगा देंगे इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आप स्टार लगा देंगे इस पॉइंट पर, देखिए 1 2 3, और इसी के सामने वाली जो लाइन आपकी जा रही है, ये वाली जो लाइन है, ये वाली, ठीक है, ये वाली लाइन, यहाँ से जाते हुए आपको 11 वाली लाइन पर भी एक स्टार बना देना है, ठीक है। तो आपको इतना समझ में आ गया ना, चलिए अब मैं जूम आउट करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ अच्छे से। आपको ये स्टार की पोजीशन समझ में आई ना, स्टार कहाँ बनाना है दोस्तों, हमें स्टार बनाना था 6 हेक्टोमीटर और 3 डेकामीटर पर। तो 6 हेक्टोमीटर के लिए हमने क्या किया, 6 खाने काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6, और 3 डेकामीटर के लिए हम क्या किए, 3 स्टॉप ऊपर चले गए, ठीक है। और हमने क्या किया, स्टार अपना बना दिया, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया ना आपको स्टार की पोजीशन। चलिए ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा स्टार की जो सामने वाली लाइन है वो आपकी मैक्सिमम कहाँ तक गई है, आपकी गई है दोस्तों 11 किलोमीटर तक। कहाँ तक, 11 किलोमीटर तक। तो आप क्या करेंगे, 11 किलोमीटर पर एक स्टार बना देंगे, इसी लाइन को बिल्कुल सीधे ले जाना है, देखिए ये रही वो लाइन। तो आपका स्टार कहाँ बनेगा दोस्तों, यहाँ बनेगा, देखिए इसकी सीध में बनाएंगे आप लोग, तो ये स्टार आपका यहाँ आ जाएगा। और फिर इस लाइन को आप क्या करेंगे, डार्क कर देंगे, ठीक है। इस लाइन को आपको क्या करना है दोस्तों, डार्क कर देना है, राइट। इतनी बात आपको समझ में आ गई, अब आपको क्या करना है, इस लाइन को डार्क कर देना है। तो डार्क कर दीजिए, ये देखिए इस तरीके से आप इसको डार्क कर देंगे, तो ये आपका डार्क हो चुका है। अब आपको बस कुछ भी नहीं करना है, अब आपको ये डिस्टेंस शो कर देनी है। इस पॉइंट से वर्टिकली लाइन ऊपर ड्रॉ करेंगे, तो ये वर्टिकली लाइन ये ड्रॉ कर दी, और इसको भी आप वर्टिकली ड्रॉ करिए इस पॉइंट से, तो ये एक्सटेंशन लाइन के ऊपर ही आ जाएगा, ठीक है। इसको देख लीजिए थोड़ा सा ये, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से डायमेंशन लाइन दिखानी है, ये देखिए ये डायमेंशन लाइन हो गई आपकी। आप यहाँ मेजरमेंट लिख दीजिए कितनी है, और ऊपर आपको आरएफ लिख देनी है। तो आरएफ कितनी है आपकी, 1/80,000, ठीक है, 8,000, और ये 80,000। इस तरीके से यहाँ आप अपने एरो हेड बना लीजिए, यहाँ भी एरो हेड दिखा दीजिए। अब लेंथ ऑफ स्केल दिखानी है, तो इस पॉइंट से आप क्या करिए, इस तरीके से एक्सटेंशन लाइन खींचिए यहाँ पर भी, और एक एक्सटेंशन लाइन यहाँ पर भी, राइट। और फिर इस तरीके से आप डायमेंशन लाइन को बढ़ा दीजिए, ये देखिए ये डायमेंशन लाइन को मैंने बढ़ा दिया। और यहाँ लिख दीजिए HB पेंसिल से, मैं बोलता जा रहा हूँ तो उसको आपको ध्यान देना, LOS आपकी कितनी है दोस्तों, आपकी थी कितनी दोस्तों, LOS कितनी थी, 15 सेंटीमीटर, ये देखिए ये 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये ध्यान देना, ये जो मैंने सारा लिखा हुआ है आपको HB पेंसिल से लिखना है, ठीक है। ये रही आपकी HB पेंसिल, देख लीजिएगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, एरो हेड भी बनाना है नीचे, तो एरो हेड आप HB पेंसिल से ही एच पेंसिल से ही बनाएंगे। तो ये एरो हेड देखिए इस तरीके से नीचे भी आप बना देंगे, ठीक है। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई, और ये आपकी स्किल कंप्लीट होती है, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो दोस्तों के साथ भी आप लोग जल्दी से शेयर कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।